हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 8 मोशन का पेज नंबर 2 के क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, देखिए पढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है वो देखना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसका आंसर। देखिए यहाँ पे गिवन है, स्पीड क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस, मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब सपोज कीजिए आपने 10 मीटर चला है 10 सेकंड में, तो एक सेकंड का कितना होगा 1 मीटर। तो वन यूनिट टाइम में आपने जितना डिस्टेंस कवर किया उसी को स्पीड बोलते हैं, ठीक है। वही डिफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट पीरियड ऑफ टाइम। ये भी सेम चीज है यहां तक कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकंड, यूनिट पीरियड मतलब 1 सेकंड, 1 सेकंड में जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन इन अ फिक्स डायरेक्शन, लेकिन उसका भी डायरेक्शन भी होगा। बस यही फर्क है वेलोसिटी एंड स्पीड में। दूसरा क्या है कि स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और वेलोसिटी क्या होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। थर्ड में है आपका सी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी ये स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन मतलब मैटर नहीं करते हैं। मतलब सपोज कीजिए पॉइंट ए से चलना शुरू किया और पॉइंट बी तक पहुंचे, तो पूरे रास्ते का लेंथ जो है वो होता है डिस्टेंस। इसमें ये मैटर नहीं करता आप किस डायरेक्शन में चले। और डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि ये आपका स्ट्रेट डिस्टेंस, यानी यहां से लेकर यहां तक ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्शन है आप राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो फर्क यही होता है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसमें ये वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये हुआ, इसमें डायरेक्शन भी होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। आपको PDF दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडर व्हाट कंडीशन और कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज वेलोसिटी। यानी कि किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल होगा। तो इसको जानने के लिए हम लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसका पहले फॉर्मूला लिख लेना है। देखिए एवरेज वेलोसिटी होता है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये होता है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड आपका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम टेकन। अब यहां आप ध्यान देखें दीजिए, यहां पे आप जब ध्यान दीजिएगा दोनों फॉर्मूला में, राइट साइड में दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। नीचे में देखिए डिनोमिनेटर टोटल टाइम टेकन है, टोटल टाइम टेकन, यानी डिनोमिनेटर सेम है। बस अगर न्यूमरेटर सेम हो जाए तो कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, मतलब कि राइट साइड में दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस सेम हो जाए तो ये इक्वल के राइट साइड वाला जब इक्वल हो जाएगा तो लेफ्ट भी इक्वल होगा ही होगा मैथ के हिसाब से, ठीक है, कि किसी भी दो इक्वेशन के राइट साइड इक्वल होता है तो लेफ्ट इक्वल होगा ही होगा। तो इसका मतलब हम यहां से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस देन ये एवरेज वेलोसिटी देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपको पूरा यहां से लिख देना है, एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज वेलोसिटी, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, अगर न्यूमिनेटर सेम हो जाए मतलब डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस अगर इक्वल हो जाता है तो ये कंडीशन आपका फुलफिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर।
यानी कि ऑटोमोबाइल का, किसी व्हीकल का ऑडोमीटर क्या चीज़ को मेजर करता है। तो हम लोग जानते हैं ऑडोमीटर इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को मेजर करता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका पाथ कैसा दिखेगा, मतलब सर्कुलर होगा, स्ट्रेट होगा या ज़िगज़ैग होगा। तो हम लोग जानते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका, अब जाहिर सी बात अब सीधे रास्ते में चलेंगे तभी यूनिफॉर्म मोशन चल सकते हैं, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, यानी कि बराबर बराबर ये से आप चल रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन तभी कंडीशन में आप कर सकते हैं। वरना आप सर्कुलर पाथ में चलिएगा तो यहाँ से यहाँ जाने में, क्योंकि हर एक पॉइंट में आपको मतलब मुड़ना है, घूमना है, तो आपको स्पीड को चेंज करते रहना होगा। आप यूनिफॉर्म मोशन में नहीं चल सकते या ज़िगज़ैग पाथ में। अब यहाँ से चलेंगे तो आपको स्पीड को थोड़ा हल्का करना होगा, फिर तेज, थोड़ा हल्का, इस तरह से। तो इसका आंसर होगा, इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर फाइव है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेस शिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travel at the speed of light, that is 3×10⁸ meter per second. ठीक है, इसका मतलब ये, सपोज कीजिए ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है और यहाँ स्पेसशिप है, ठीक है, ये स्पेसशिप है और यहाँ से स्पेसशिप का जो सिग्नल पहुँचता है ग्राउंड के स्टेशन में, वो 5 मिनट टाइम लगता है, यानी टाइम गिवन है आपका, टाइम है 5 मिनट। पहले तो हम टाइम को चेंज कर लेते हैं सेकंड में, यानी 5×60 सेकंड होता है एक मिनट में, तो ये हो जाएगा 300 सेकंड। ठीक है, टाइम पता चल चुका। व्हाट इज वाज द डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछा है यानी डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, और क्या है स्पीड दिया हुआ है, जो सिग्नल ट्रैवल करता है स्पेसशिप से ग्राउंड, इसका स्पीड गिवन है, ये स्पीड गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, मतलब 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस निकालना है, सिंपल फॉर्मूला है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बस यहाँ से निकल जाएगा, स्पीड कितना है तो स्पीड है आपका 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, इनटू टाइम कितना है 300 सेकंड। तो पहले आप क्या कीजिए, नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए, 3×3 is 9, 900 × 10⁸। हम लोग जानते हैं साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखते हैं किसी भी क्वांटिटी को, k × 10⁸ के फॉर्म में लिखते हैं, जहां k कोई 1 से लेकर 10 के बीच का नंबर होगा। हम लोग यहां लिख सकते हैं 900 को 9×100×10⁸, 9 को अलग कर लेंगे और 100 का मतलब क्या होता है, 100 का मतलब होता है 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर है और यहाँ 10⁸ है, पावर ऐड हो जाता है क्योंकि बेस सेम है, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, तो हम लोग लिखेंगे 10⁸ मीटर, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस, ये हो गया आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पेज नंबर 103। थैंक्स फॉर वॉचिंग।